नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं आपसे मुखातिब हूँ धर्मेंद्र सिंह। ये सेशन है मैथमेटिक्स का, जहाँ पर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पार्ट थ्री। पार्ट थ्री मतलब आज फाइनल पार्ट की बात कर रहे हैं। दो सेशंस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, अगर आपने वो सेशंस मिस किए हैं तो एनसीईआरटी ऑफिशियल पर जाकर लिंक अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। ना एक टेलीफोन नंबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, ये वो नंबर है जहां पर आप हमें दोबारा फ़ोन करके भी अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं, ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट, देखें एक बार फिर से dth.class9@cit.nic.in पर। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मिसेस माफ कीजिए मैम बीना प्रकाश, जो कि सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं, कैंपियन स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंतिम पार्ट लेकर आए हैं, फर्स्ट टू हो चुके हैं, बहुत ही कमाल के वो सेशंस रहे थे और मैं समझता हूँ कि क्लास 9 के 10th के विद्यार्थियों ने उनका ज़रूर अवलोकन किया होगा। क्लास 2 से लास्ट थोड़ा सा एक रिकैपिटुलेशन कर देते हैं, फिर पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। हम लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट एक्सियम्स आर एंड व्हाट पोस्टुलेट्स आर। उसमें भी यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड यूक्लिड्स के 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किया था इन लास्ट टू क्लासेस। तो आज मैं इसके क्वेश्चंस डील करूंगी एंड इन डूइंग सो इफ वी कम अक्रॉस एनी एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स वी विल बी डीलिंग विद दैट आल्सो। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। यस मैम, प्लीज। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। The first question says that which of the following statements are true and which are false, and then we need to give the reasons for the answers also. Okay? The very first question: only one line can pass through a single point. अब आप ये देखिए, एक point से. Now, if you remember, हमने point को define किया था. How was point defined? Point याद करके देखिए. This was an undefined term. That means the one which does not have a length, length, breadth, and direction. That means हम इसको किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। So if we see this point in terms of this direction, that means you're moving in this direction, a line is formed. एक लाइन बन रही है इस डायरेक्शन में। Right. Isn't it? Now if you see the same thing, आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, there is no limitation in it. आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, उस डायरेक्शन में you can form a line. आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, you always can form a line. So what does it say? इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि through this particular point, is it only one line that is going through? कितने lines दिख रहे हैं अपने को, बताइए। एक line तो खैर नहीं है, एक दो तीन चार पांच I can see। जिस direction में आप उस point को देखना चाह रहे हैं, उस direction में आप एक line बना सकते हैं। बिल्कुल। That means the statement is a false statement. It's a false statement. You cannot have just one line. There are infinite. So what is the correct statement for it? आपको कोई statement false होता है तो उसको justify भी करना चाहिए and उसका correct करना भी आना चाहिए. So what is the correct statement? There can be infinite lines that is passing through one single point. Okay? Now the next question. There are infinite. अब इसके उल्टा that there are infinite number of lines which pass through two distinct points. अब हमारे यहाँ पे points तो decided है. ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, सपोज दिस इज अ पॉइंट पी एंड दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट क्यू। नाउ एज आई डिफाइंड हियर दैट इज इट हैज नो डायरेक्शन, दैट इज द वे यू सी दैट वे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। सो इफ यू सी दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, इट कैन ऑल्सो हैव एनी डायरेक्शन, बट वी नीड टू फॉर्म अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू क्यू। क्यू इज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स if you draw a line, it has to move in a particular direction. Only then that line will go through Q, isn't it? आपको दिख रहा है ना, यही इसी direction में अगर आप जाएंगे, तो you'll find that the line will pass through Q. Yeah. Now you change this direction of Q line from P to any change, small change, that we'll find that it is going in a different direction and it will never pass through Q. So what information do we get? Can we have more than one line? We cannot have more than one line. So there is no question of infinite. एक से ज्यादा तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि the way you see the line, that is जिस तरह से देखना चाह रहे हैं हम, P से Q की तरफ जा रहा है, line means going from one point to another point. आप P से Q की तरफ जाइए, और you take the other way, reverse way में, you come from Q, Q
क्यू से पी की तरफ, तो पी की तरफ मीन्स इट्स अ पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना, एक फिक्स्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं अपन, तो डेफिनेटली देयर इज ओनली वन लाइन व्हिच इज गोइंग थ्रू इट, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन लाइन, हेंस दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो देयर कैन नॉट बी मोर देन वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, द नेक्स्ट थिंग, अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. टर्मिनल लाइन मीन्स a line segment. Terminal line is defined in terms of a line segment. Ab ye line segment kya hai? Line segment is a line joining two points. So let me again consider the same point P and Q. Isse join karta hua ek line segment bana hai. Now this line segment has a end point Q. Now this end point Q says that aap yahan se, is point se, you can go further in the same direction. Jis direction se aap P se aaye hai, usi direction se aap wapas, you can move further. आप move कर रहे हैं ना further. Likewise, if it is from Q to P, if you move from Q to P, the moment you reach P, it can also be extended. So what it says, the terminal line, this was a terminal line that it had two endpoints, but this line can be extended in both the directions. So what does this statement say? The terminal line can be extended indefinitely on both the sides. Is this a true statement? Therefore, yes, right. It's a true statement. Okay. Now we move to the next one. That is, two circles are equal. Two circles are equal, then the radii are equal. So if there is a circle, if there is a circle, if I draw a circle here, this is a circle. Fine. Now there's another circle. There's another circle. So if their radii are different, what do we find? Agar iska radii different hai, so what do we find in that case? Can you overlap this figure on it? I think kar sakte hain. इसको अगर हमने इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो नो, वी वोंट बी एबल टू ओवरलैप इट, बिकॉज द रेडियाइज ऑफ द टू फिगर्स दे आर डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, सो हेंस दे विल नॉट बी सेम. सो इट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई एम नॉट एबल टू शो इट, अनफॉर्चुनेटली सॉरी फॉर इट. ये जो फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है तो देयर लेंथ, दिस लेंथ शुड बी, द रेडियस शुड बी सेम, तो नहीं होने से दे विल नॉट ओवर, सो द टू circles are equal only if their radii are equal. So what is this statement? It is again a true statement. Okay, now what about the fifth part? If AB is equal to PQ, AB means a line segment. Aapne ek line segment bana diya, it's a line segment AB, assumed to be two units. There is another line segment PQ, this is also of two units. And there's a third line segment, that is XY. XY. This is also two units. So remember the axiom, Euclid's axiom, that is, these two have same length. These two have the same length. AB and PQ have same length. PQ and XY have same length. What it says that, then the AB and the line segment XY will also have the same length. ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो इज क्वेश्चन वन क्लियर? ये क्लियर हो गया बिल्कुल? जी जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. श्योर, ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define it? Ye hai question. So the first question is parallel lines. Aap parallel lines ka kaisa definition dete hai? So if a perpendicular distance between two lines are same everywhere, then the lines are parallel. So before this, I would just like to discuss about this part, that is distance. Distance kiske beech mein? Two points ke beech mein. Distance between two points. हमें अगर distance find करना है between two points, so how do we get the distance between the two?
देखिए, आपको ज्वाइन करना है ये दो पॉइंट को, मैं इस तरह से भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकती हूं, आई कैन ज्वाइन इट थ्रू दिस ऑल्सो, और आई कैन ऑलवेज ज्वाइन इट दिस वे ऑल्सो, ऑफ ऑल द वेज. अब आप बताइए इन सबको जिस तरीके से भी मैं ज्वाइन कर रही हूं, इनमें से विच वन विल हैव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम लेंथ किसका होगा? The one which is connecting through the straight line. So that is known as the distance between the two points. Otherwise, देखिए आप, ये distance, ये length अलग है, ये length अलग है. अगर आपने इसको ऐसे connect किया तो इसका length अलग हो जाएगा. आप ऐसे करके इतने दूर से ऐसे connect करेंगे, this length will be different. So can you exactly define the distance between two points? No. So what we define is the shortest distance. And the shortest distance is nothing but the line segment that is formed. So that's the definition of this distance between two points. अगर आपके बीच a point and line के बीच में निकालना है, that is weak line. ना, assume करो PQ is a line and there is a point somewhere here, x. Now आपको x से PQ के ऊपर का distance, x का distance PQ से निकालना है. So what again we have to do is we try to find join, that is take up length that is defined this way. We join points that is there on PQ. आप different points को join करिए, आपको इसमें क्या मिलेगा? The one which happens to be perpendicular. The one which happens to be perpendicular. इस length को देखिए आप, ये वाला length, that is x से लेके t, this length xt as compared to t1, t2, p जो भी है. So you will find that XT happens to be the shortest distance, सबसे कम least length. So therefore, the distance अगर point और line के बीच में कभी निकालना है, तो आपको क्या करना है? You have to draw a perpendicular from the point on the line, and that line segment is the distance. ठीक है? Now between two parallel lines, तो दो parallel lines है. अब ये दो parallel lines के बीच का distance कैसे निकालेंगे हम? Exactly same concept अपन use करेंगे. हम एक point मान लेते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट से वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. हम यहां से एक पॉइंट ड्रॉप कर देंगे परपेंडिकुलर, एंड देन वी फाइंड दिस लेंथ. ये जो लेंथ निकाल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज द सेम लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर लाइन, दैट इज ये लेंथ बी डी है, ये लेंथ बी डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ कोर्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर जगह आपको दिख रहा है ये डी, देन द लाइंस आर सेड टू बी, that is, that's how we find the distance of the, then the lines are said to be parallel. Agar same hai har jagah, then that is said to be parallel lines. So that's what the definition of parallel line is. That is, if the perpendicular distance between two lines are same everywhere, then the lines are parallel. So is this definition clear? Now isme terms jo define karne hai, that is undefined terms. If you remember, Euclid ne kuch undefined terms diye the. उनमें से कौन कौन से? पॉइंट्स, लाइन था ना, यहाँ डिस्टेंस आल्सो वाज दैट. तो डिस्टेंस को मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. तो पॉइंट एंड लाइन दे आर अनडिफाइंड टर्म्स, आपको डिफाइन करने थे, दे कैन नॉट बी डिफाइंड, बट डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड, हमने डिफाइन कर. तो आई, दिस इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको? आपको क्लियर हो गया होगा? यस. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइंस. Now, what are perpendicular lines? They are two intersecting lines. That is, the two lines are intersecting. Agar do lines ek dusre ko intersect kiya, what we find is certain angles are found between the two lines. This is known as an angle. This is an angle because ye ek ray hai, this is another ray. So, this is known as an angle formed by two rays with the same initial point. This is one angle. This is another angle. This is another angle. So we find that these measures are different. Now, if the measure of this angle is 90 degree, if the measure of the angle is 90 degree, take care. What's the measure of this angle? The measure of this angle is, ये जो मेजर है, दिस इज नोन एज 90 डिग्री. सो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने ऐसे एंड दिस वे, देन वी फाइंड दैट द मेजर दिस एंगल, सिंस 90 डिग्री, दीज टू लाइंस विल बी, दैट इज लाइन एल एंड एम,
I'm talking about line L and M, they will be perpendicular to each other. So that's the definition of perpendicular line. That is the two intersecting lines. They dono may measure 90 degree hona chahiye. Exactly 90 degree. That is this way. This is 90 degree. So each angle you'll find that they measures 90 degrees. So the lines are said to be perpendicular. This is line L and that's line M. Now isme terms define kaun kaun se karne the? Intersecting and angle. Dono maine is beech mein define kar chuki hu. The next one is line segment. Line segment is a line drawn between two points, which defines the shortest distance actually. The line points, abhi, just now when I discussed about shortest distance, maine kaha tha, this is known as a line segment, AB. Okay? Now, the radius of a circle. What is the radius of a circle? Radius of a circle? The length of the line segment formed by joining the center to any point on the circumference. Aapke paas ek circle hai. You have a circle. And it, in this circle, we have its center. We have a center. We represent this as C. And we join this point to any point on the circumference. This is known as circumference of this, the boundary of this region. So that is P point, suppose, and the line joined by these two points, join this line to this point, what we have is not known as the radius. This is the radius of that circle. So what is radius? The radius is nothing but the length of the line segment joining the center to any point on the circumference. That is CP. Okay. इसके भी टर्म्स पॉइंट लेंथ सेंटर सर्कमफ्रेंस आई थिंक दीस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ सर्कमफ्रेंस मींस द बाउंड्री ऑफ दिस रीजन ये सर्कुलर रीजन दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज सर्कल ठीक है नाउ नेक्स्ट द लास्ट टर्म दैट इज अ स्क्वायर नाउ व्हाट इज स्क्वायर अ क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल मींस व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल इट्स अ पॉलीगन विद फोर साइड्स नाउ व्हाट टाइप ऑफ पॉलीगन इज क्वाड्रिलैटरल इज दिस अ फोर साइडेड पॉलीगन विद All sides equal. Sare sides agar iske equal and each angle measures 90 degree. Each interior angles they measure 90 degree. Dekhiye, ab ye figure dikh raha hai aapka jo ban raha hai. So what do you see in this figure? This length looks like same. This also, they are also same. So each of these sides they are same. And the measure, ये जो angle है, इनके angle made by these lines, sides of the quadrilateral, they also measure 90 degree. In that case, this particular quadrilateral is known as a square. So the term that has to be defined, sides, quadrilateral, the line segment that are the boundaries of the region, and quadrilateral, the four-sided region. So I think these two things are clear. Yes. So whatever definition we have taken, it's clear. एब्सोल्युटली बिल्कुल क्लियर हो रहा है और YouTube पे जितने भी छात्र जुड़े हैं उन्होंने भी काफी सराहना की है काफी कुछ सीख रहे हैं हमारे पास 7 मिनट का वक्त अभी भी बाकी है आगे बढ़ते हैं Now next is consider two postulates given below. That's the next question. Given two points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exists at least three points that are not on the line. Now, do these postulate contain any undefined terms? Definitely, terms कौन-कौन से अपने? वही points, this is point है, line है, they are all undefined terms. ठीक है? Are these postulates consistent? Now, what does that mean? देखिए, ये एक situation है. A, B एक line segment है. We have a line segment. Fine. Now, इस line segment में we have a point. This is a line segment AB and there is a point. उन्होंने कहा there is a point which is between A and B. इसके बीच में कहीं है. So we can always mark that point as this point. ये एक point है. It is possible to have. Now here what it says, there are at least three points which are not going to be on the line. That is, we have at least two, three points. दो points से तो एक line segment बनते ही हैं. Is it necessary that the three points that we have, they form a line? Not necessary. We can have three points this way also. So it is not necessary that the third point should be between its
एनी दैट इज इट्स नॉट वी हैव एटलीस्ट 3 पॉइंट 4 पॉइंट से तो बहुत सारे फिगर्स बन सकते बट 3 पॉइंट आर मी नॉट बी ऑन अ लाइन सो दे आर टू डिफरेंट सिचुएशन सो हेंस दैट्स नोन एज कंसिस्टेंट ओके Now the last thing is, do they follow the Euclid's postulate? ये कोई Euclid's postulate में थे क्या? नहीं, they actually formed the Euclid's incidence axiom, which I had explained before in the last class. ठीक है? Now we move on to the next question. That is the fourth question. If a point C lies between two points A and B, such that AC is BC, then you have to prove AC is BC. That is ये एक point है A, and that's another point B. Now there is a point somewhere C which is such that it is half of AB. So how do we prove that? How do we prove this result? It is mentioned that AC and BC are equal. ठीक है? Now एक Euclid का axiom है. You add same to both sides. मैंने same add किया both sides. So when same are added to both sides, this resultant will also be same. That is, iska equality sign mein change nahi aayega. That's a Euclid's axiom. So when you get this expression, you read it further. Isko simplify kariye. AC plus AC means, isn't it twice of AC? And then look at this expression. BC plus AC. That is, BC mein aapne ye AC length add kar diya. So what is the length that you're going to get? Kya length mil raha apne ko? We get the length AB. Pura mil raha na A to B. So what information do we have? AC is half of AB. यही प्रूफ करने के लिए बोला है इन्होंने. AC is half of AB. Okay? Now next one. Then that point C is called the midpoint. So ये जब point C है, this will be the midpoint of the line segment AB. Now we need to prove that in the next question, that is every line segment has only one midpoint. ये भी एक चीज़. We have only 5 minutes left now, ma'am. Okay. So we have to prove that this is the only midpoint of AB. So let me assume that there is another point D. Okay? Let us assume that AD is also the midpoint. Agar C midpoint hai. C is midpoint. What result do we get for C to be midpoint? What result did we see here? Dekh ke bataiye aap jaldi se. C agar midpoint hai, don't you have this result? AC jo hai AB ke half hai. Now, अगर हमारे पास D भी midpoint बोल रहा है, let D be also the midpoint. D be the another midpoint. ठीक है? If D is another midpoint, what result do we have from here? AD will also be half of AB. अब मैंने इन दोनों expressions को subtract किया. Let's subtract this expression. So when you subtract this expression, what you get is AC minus AD. And the right side seems to be same, so we get 0. Now, इससे क्या result मिल रहा है? AC minus AD. AC एक length है, उसमें से AD मैंने remove कर दिया. I have removed this length. What will be left? This particular quantity, that is CD. That's the length that will be left if AD is removed from AC. And we get this expression CD equal to 0. So CD is 0, that is line segment, the length from zero, C to D is 0. What does it imply? Length from C to D is 0. It implies that C and D coincides. That means, dono ek hi point hai. Do alag alag points nahi hai. So there will be only one midpoint. Okay? Jee. Now we move on to the next question. That is, if you have AC equal to BD, then we need to prove that AB and CD are equal. That is AC and BD, they are equal lengths. We have AC equal to BD. That is a given thing. Okay. Now AC means ye wala length or BD is this length. They are equal. Now I'm subtracting same from both sides. Look at this expression. I'm subtracting same from both sides. The resultant will also be same. Euclid's axiom. So what is AC minus BC? AC se BC hata diya, to what do you get? AB mil raha hai ki nahi? AC mein se we remove BC. So what is left is this quantity, that is AB. And from BD, we are removing BC. So what is left is
CD. So what do we get as a resultant? The resultant will also be same, which says that this is equal to CD. So that's what we have proved, that is AB and CD will be equal. Fine. Now we move on to the next question, that is the last question of this exercise, that is, why is axiom 5 that is considered as universal truth? Why is it considered as universal truth? What is axiom 5? The axiom 5 is the whole is greater than the part. Ab mere paas ek hole hai, I have this part. Theek hai? This is a region that I have. Ab is region mein se maine ye ek part hata diya. Ye part hata diya. Jo remaining part hai, जो रिमेनिंग पार्ट है विल इट बी ऑफ द सेम साइज एट द ओरिजिनल? नहीं होना ना कभी भी. आपका ओरिजिनल पार्ट जो है उससे अगर आपने निकाल लिया तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट रिमेनिंग विल ऑलवेज बी लेसर. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. फाइन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द लास्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. ये हमने पहले कर चुकी हूं मैं, इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग इट रियली फास्ट. Now see, how would you rewrite Euclid's fifth postulate? What was the fifth postulate? That is, if a straight line falling on two straight lines, ye line hai apna L aur dusra line hai M, and there is a straight line that is C which is falling on these two straight lines, and the interior angles on the same side taken together, that is agar maine in dono angles ka sum dekha hai main, this two sum is less than, that is agar maine isko mark kiya 1 and 2, if sum of the angles together is less than two right angles, 290 degrees matlab 2 times of 90, that is 180 degrees. So we find that if the sum of the four interior angles are less than 180, then the straight lines produced indefinitely on that side. Agar aapne is line ko extend kiya, just now we have seen that a line can be extended indefinitely. मैंने इसको इस तरह एक्सटेंड किया है एंड इस लाइन को वी हैव एक्सटेंडिंग इट टू द सेंटर. व्हाट वी सी इज मिस्टर प्रकाश, वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है. बस ये बस लास्ट पॉइंट है, ये मैंने इसको बहुत जल्दी समाप्त करें. हम इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हूं, दे डू मीट एट दिस पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज द इजीियर वे टू अंडरस्टैंड दिस? If two lines they are intersecting and the sum of the four interior angles is 180 degree, what do we get? If suppose these two angle agar 1 and 2 mila ke agar 180 degree hai, so then this implies the line L and M will be parallel. Okay? Absolutely. तो मैं समझता हूँ कि इस सेशन को समझने में आपको काफ़ी आसानी रही होगी. जितने भी अच्छे अंदाज में, सफल टेक्निकल अंदाज में मिसेस प्रकाश हमेशा से अपना एक अभूतपूर्व प्रयास लेकर आती हैं और काफ़ी हद तक सफल भी होती हैं. कोई कंप्लेंट ऐसा है नहीं कि आप लोगों को चीज़ समझ में आए नहीं. क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, बारी बाई बारी, स्टेप बाई स्टेप, टेक्निकल बाई टेक्निकल, एक एक आस्पेक्ट को जिस तरीके से वो क्लियर करती है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मैथ पढ़ने में उतना ही आनंद आता होगा. तीनों के लिंक अवेलेबल हैं NCERT ऑफिशियल पर. अगर आपने एक भी अब तक नहीं देखा है, जिन्होंने हमें देर से ज्वाइन किया है, वो दोबारा से जाकर इस लिंक को देख सकते हैं. और इंटीजर से संबंध, माफ कीजिए, ज्योमेट्री पार्ट 3 यूक्लिड से संबंधित अगर आपके कोई भी इश्यूज हो तो आप उसको सुलझा सकते हैं. तब भी अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को अंकित करें. हमारी कोशिश यही हुई कि दोबारा से अगर हमारा जुड़ाव मिस्टर प्रकाश से हुआ तो डेफिनेटली उन क्वेश्चन के आंसर हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रकाश अपने समय के लिए. थैंक यू सो मच. अगला सेशन जो है वो है वेबिनार. छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल. नमस्कार.